परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148 12। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड, मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन, श्रीमती अंजना जैन धर्मपत्नी श्री संजीव जैन सपरिवार मुरादाबाद, श्रीमती रुक्मणी सोनी, श्री राकेश जी, श्रीमती ममता सोनी, श्री वीरेंद्र, पायल सोनी, प्रीत विहार, दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन धर्मपत्नी श्री मनीष जैन सपरिवार सिरसागंज, पुण्या जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री रवि जैन, श्री अमित जैन, राखी जैन, पुण्या जैन, अग्नि जैन, अशोक विहार, पेस एक, दिल्ली। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, क्योंकि वास्तव में हमारे आचार्यों ने कहा भी है कि यदि जीवन में अच्छे से रहना है दो तरह से रहा जाता है, एक तो बाहर से अच्छे से जीना और एक अंतरंग से अच्छे से जीना, एक इंद्रियों के बल पर जीना, एक आत्मा के बल पर जीना, एक पराधीनता में जीना, एक स्वाधीनता में जीना, एक कांटों में जीना, एक फूलों में जीना। और कहते हैं कि सच पूछो कांटे और फूल सब बाहर होते हैं, अंदर में कांटे होते ही नहीं, जो अंदर जाता है तो वहाँ वो स्थायित्व मिलता है। क्योंकि हमें सुख दुख जो हम कहते हैं संसारी प्राणी, वो किससे आते हैं? दूसरों से आते हैं। दूसरों ने आपकी बात मान ली तो आप सुखी हो गए, यदि नहीं मानी तो दुखी हो गए। आपका सम्मान में चार शब्द अच्छे कह दिए तो आप खुश हो गए, आप रति हो गई, वहीं पर घर बनाने की सोचने लगे, उससे रिश्तेदारी निभाने की सोचने लगे। और यदि किसी ने दो बात बुरी बोल दी तो उसी से दुश्मनी हो गई, क्योंकि कहते हैं क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, मारना ही है किसी को मार दो एहसान से। कि वास्तव में जान से मार कर क्या करोगे? आप देखिए एक भावुकता का क्षण होता है, कैदियों की लाइनों पर लाइनें खड़ी होती हैं और आंसू बहाते हैं कि उस दिन ना जाने कैसे हमसे गलती हो गई, एक क्षण की गलती यहाँ पर इतना रुलाती है, एक क्षण का प्रमाद, एक क्षण का प्रमाद हमारे जीवन में हमें कितना रुलाएगा। एक बार की ही गलती होती है जीवन में, कभी आप काम रोज नहीं करते हैं, क्रोध रोज नहीं करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा क्रोध के कारण विभीषण ने अपने भाई को निकाल दिया, क्रोध के कारण आकर क्या शकुनी ने अपने भांजों को गलत रास्ता दिखा दिया। एक बार की खुंदक तो थी और क्या था, क्रोध में आकर सत्य घोष ने सर्प की पर्याय में जलना स्वीकार कर लिया, लेकिन जहर वापिस लेना स्वीकार नहीं किया। क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में क्रोध इंसान को शैतान बना देता है, क्रोध इंसान को शैतान बना देता है और सच पूछो तो अपमान करा देता है, लेकिन क्रोध से हटकर प्रेम में शक्ति लगाओ तो प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। भगवान और कोई चीज का नाम नहीं है, हमारी शक्तियों का
सही उपयोग करना परमात्मा है। परमात्मा मंदिरों में प्रतीक है। हम जब घर के वातावरण से हटकर यहाँ आते हैं तो हमें परमात्मा के दर्शन करके परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई तो हमारा जीवन व्यर्थ है। यदि हम मंदिर में 100 अर्घ भी चढ़ा जाएं, चाहे शांति विधान कर लो, लेकिन अंदर की अशांति नहीं गई तो शांति विधान व्यर्थ है। क्योंकि आप पूजन में पढ़ते हैं कि द्रव्य शुद्ध क्यों लाया हूं, इसके निमित्त से भाव शुद्ध हो, लेकिन द्रव्य के चक्कर में भाव भी अशुद्ध हो गए तो तुम्हारी शुद्धि का कोई फायदा नहीं रहा। क्योंकि क्रियाएं आप गलत नहीं करते हो, हम जीवन भर में आप एक चींटी को नहीं मारते हो। कोई आपको 1 लाख रुपया दे और कहे एक जीव की हत्या कर दो तो आप तैयार नहीं हो सकते हो। लेकिन फिर भी संसार क्यों बन रहा है, कभी विचार किया? एक जीव की हत्या नहीं करते हो लेकिन इतने बड़े जीव की हत्या करते हो। हमने जैसे ही किसी की बात को दिल पर ले लिया, क्रोध इतना हो गया कि मरते दम तक हम तो अब बोलेंगे ही नहीं। आप ध्यान रखना, उसको तकलीफ नहीं दी आपने, खुद को भी तकलीफ दी। क्योंकि क्रोध चिलम है और क्षमा सुराही है। चिलम स्वयं भी जलती है, दूसरे को भी जलाती है। सुराही स्वयं भी ठंडी होती है और दूसरों को भी ठंडा जल देती है। उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ राहें बदल जाती हैं। सच पूछो, शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक जरा सी बात हो तो क्या निगाहें बदल जाती हैं। हमारे अंदर जिसको हम चाहते हैं हम कहते हैं अपना। आचार्य कहते कौन जीव ऐसा है 3 लोक में जो तेरा अपना या पराया नहीं रहा, तेरा इष्ट या अनिष्ट नहीं रहा, तेरा दुश्मन या मित्र नहीं रहा, कौन से जीव से हमारा संबंध नहीं हुआ? और हमें क्या पता है कौन सा जीव कल सिद्ध गति को प्राप्त कर जाए? तो क्या जवाब दोगे कि मैं सिद्ध से मैंने झगड़ा किया था, सिद्ध से मेरा अनबोलना था, सिद्ध से मैंने बंटवारा किया था? अरे बंटवारा मत करो, क्या बंटवारा है नीट चूनों की चीजों का, इन रुपयों का क्या बंटवारा करना? सच पूछो, ये देह तक निगाहें बदल जाती हैं। मैंने कहा बचपन में थे तो हम लोग, आप लोग भी खिलौनों के लिए रोए होंगे, और बड़े हुए अब बच्चे खिलौनों को रोते हैं तो हमें लगता है बच्चे हैं, अज्ञानी हैं। हम अज्ञानी नहीं है, वो छोटे खिलौनों को रोते हैं, हम बड़े खिलौनों को रोते हैं। भगवान ना जाने तूने कैसे कैसे रंग के ये खिलौने यहाँ सजा रखे हैं, माटी के पुतले तूने कैसे यहाँ सजाए हुए हैं। वास्तव में ये परमात्मा की प्रकृति है, हमें सब कुछ शिक्षा देती है। पतझड़ का पीला पान है आदमी, पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी। जवानी बचपन बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं, सच पूछो तो मौत का मेहमान है आदमी, मौत का मेहमान है आदमी, हम ठहरते नहीं है। आप कहते हो कि हम तो जैसे के तैसे लगते, कैसे लगोगे? पुद्गल का परिणमन है, प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है। जितने में आपने कहा हम वैसे के वैसे, उतनी देर में भी कुछ परिवर्तन हो गया, भावों में भी परिवर्तन हो गया और इस द्रव्य में भी परिवर्तन, पुद्गल द्रव्य में भी परिवर्तन हो गया। यदि नहीं होता तो फिर जवानी से बुढ़ापा कैसे आ जाता? जवानी से बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापे से एक दिन अंतिम दिन आ जाता है, हमारी विदाई का दिन आ जाता है, लेकिन उस समय तक कसायों की विदाई का दिन नहीं आ पाता है। हम माला फेरते हैं लेकिन मन को कभी नहीं फेरते हैं, हम मंदिर जाते हैं पुंज ले जाते हैं मन को कभी नहीं ले जाते हैं। क्योंकि मन हो तो विकल्प होंगे, सुख दुख जितने हैं वो सब बाहरी हैं, क्योंकि जितना सम्मान अपमान है वो बाहर का है, अंदर तो सम्मान अपमान का कोई विकल्प ही नहीं है। हम जीवन में क्या कमा रहे हैं कभी विचार किया?
एक राजा के बेटा नहीं था और राजा की मौत हो गई। लोगों को बहुत अफसोस हुआ, बहुत सब लोगों ने दुखी हुए कि अब राजा का कौन उत्तराधिकारी बनेगा। आपके यहाँ भी कभी कभी बेटा नहीं हो तो लोग कहते एक बेटा तो होना चाहिए, वो नाम चलेगा। मैंने कि बेटा नाम चलाता, बेटा नाम डुबाता भी है। कंस देखो, कोणिक देखो, औरंगजेब देखो, इनने बापों को सुख दिया है क्या? और सच पूछो, द्रौपदी हो, सीता हो, मैना हो, अंजना हो, सोमा हो, मनोबती हो, चंदन वाला हो, इन लोगों ने अपने पिताजी लोगों को कितना सम्मान दिलाया। क्या बेटा और बेटी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं औरतें क्या करेंगी, हमने की औरतें तीर्थंकर तक को जन्म देती हैं। लोग कहते हैं औरतें निर्बल हैं, हमने कही औरतें वज्रसभ नाराज संगनन के व्यक्ति को, व्यक्तित्व को अपने अंदर निर्माण करती हैं। कैसे निर्बल हैं? वास्तव में एक स्त्री ही ऐसी है जो कि संस्कार दे तो शैतान बना दे, संस्कार दे कुसंस्कार, खोटे संस्कार दे तो शैतान बना दे, और सत संस्कार दे तो परमात्मा बना दे। क्योंकि बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। आज आप बच्चों को कोई सजा नहीं देते हैं, किसी बात पर नहीं रोकते हैं, उसने कहा और तुमने पूरा कर दिया। और कभी कभी तो दादी लोग प्यार में आके कहती क्यों रुला रहे हो, कह रहे तो दिला दो, नहीं दिला रहे तो हम दिला रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा दादी लोगों को मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। कोई कोई डांट नहीं सकता है दादी लोगों के सामने बच्चों को, क्योंकि डांटा तो दादी कहती बच्चा दुखी हो जाएगा, इसको जो मांग रहे दे दो। लेकिन कभी विचार करके देखना हमारे महापुरुषों ने क्यों आत्म पुरुषार्थ किया था, क्योंकि उन्हें बचपन से गुरुकुलों में रखा गया, उन्हें बचपन से अनुशासन में रखा गया, उनकी हर जिद पूरी नहीं की, उन्हें हर परिस्थिति में जीना सिखाया गया। रामचंद्र जी ने जंगलों में लकड़ियां काटी, मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाया, मिट्टी के बर्तन बनाए, भोजन बनाया, जंगलों में रहे, फिर भी आहार चर्या मुनियों की कराई। आप सब पढ़ते हैं कपिस्वान सिंह ने बिलाली बेल बिचारे, तिरी अंच जी ने रंचना तबूद चितारे, इत्यादि को सुरधाम देसी विधाम में धारे, हम आपसे दातारी को प्रभु आज निहारे। कौन थे वो सब सेठ साहूकार राजा और मंत्री थे जो अवेलना करके गुरुओं की दान में से थोड़ा सा पैसा हटा के रख लिया, बचा लिया, लोभ में आकर तो जानवर हो गए। और जानवर होने के बाद जब राम सीता को आहार कराते हुए देखा तो आंसू बहा रहे हैं कि हम भी ऐसे ही आहार देते थे। जटायु पक्षी कौन था? दंडक राजा था। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है: सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, आईएफएससी कोड BARB0SHRIMA, आईएफएससी कोड का पांचवा कैरेक्टर 0 है, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777, आईएफएससी PUNB 00212000। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रूपए। 11,000 रूपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रूपए, संरक्षक 2,11,000 रूपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रूपए, सदस्यता 21,000 रूपए 10 वर्ष। चारा गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यिका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा निराश्रित चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120001011772777, IFSC कोड PUNB002120, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 01901333249, IFSC कोड BARB0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।